हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही जोरदार टॉपिक है जिसकी आप हमेशा से डिमांड करते आए कि सर आप थर्ड बुक कब स्टार्ट करोगे। तो लीजिए भैया, आज हमने थर्ड बुक ही स्टार्ट कर दी। आज से हम मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर आपकी पार्ट थर्ड। आज हमारा डे वन है भैया, बड़ा जोरदार कराऊंगा, फुल फीलिंग आएगी। आपको पता है मैं कैसा कराता हूँ, बड़ा जोरदार काम होगा भैया। क्वालिटी आपको पता है कि भैया चीज़ों को मैं फील कितने आसानी से करा देता हूँ भैया, बस आपको फीलिंग करनी है, फील मैं करवाऊंगा, बस आपको ओनली थोड़ा सा सोचना है, सारे कंसेप्ट आपके माइंड में डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो भैया आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा भैया आपको मैं थोड़ा सा अपनी बुक का परिचय करा दूँ। काफ़ी सारे लोग बड़ा डाउट में रहते हैं, भैया कौन सी बुक चला रहे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो देखिए आपको बुक के दर्शन करा देते हैं। देखिए भैया ये देख लीजिए, हमारी ये बुक है मैकेनिक्स की, अच्छे से देख लीजिए, ये हमारी बुक है। इसकी इस कंपनी है भैया स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड कंपनी। इसके जो राइटर है भैया वो है यहाँ पे एस सेठ जी सी चड्डा। ठीक, या देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोई सी ब्रांड की हो, फटी पुरानी कोई सी ब्रांड की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट सब में एक ही होता है, बस कहने का अपना एक्सप्लेनेशन अलग अलग होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी बुक ये है, अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें अगर मैं आपके देखिए इसमें अगर आपके कंटेनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन पर ये दो आपके कंटेनेंट्स में बटी हुई है ना, चैप डायनामिक्स और स्टैटिक्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डायनामिक्स से पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। आपका थोड़ा सा सिलेबस है, आपके 5 चैप्टर्स हैं जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, तो भैया आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की थर्ड बुक मैकेनिक्स की। इसमें डायनामिक्स वाली पोर्शन को छोड़ के हम पहले स्टैटिक्स वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं। स्टैटिक्स वाले पोर्शन में आपको बड़ा जोरदार फीलिंग कराऊंगा, फुल गारंटी है, बस मेरे साथ साथ वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज का लेक्चर भैया बड़ा ही जोरदार होने वाला है, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, अभी कुछ ही देर में हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, ध्यान रखना भैया एक चीज़ की, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी नहीं है कि भैया स्किप कर दिया या एक लेक्चर गायब तीसरे पर पहुँच गए, ऐसा मत करना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ भैया, आपको सारे लेक्चर्स रेगुलर अटेंड करने हैं। इस थर्ड बुक का यही बताए मतलब भाई, आपके तभी पल्ले पड़ेगी जब आप स्टार्टिंग से रेगुलर से पढ़ोगे। और ये नहीं है आप वीडियो देख लिया हो गया काम, आपको अपनी किताब में भी मूड मानना है, थ्योरी को समझने का प्रयास करना है। थ्योरी समझ में आ गई तो बड़ा जोरदार है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना एक्सप्लेनेशन बड़ा बखूबी तरीका से आपको दूँ, अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपने दोस्तों को फटाफट से जोड़ लीजिए। तो जल्दी से जल्दी भैया वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से, जितने भी आपके दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं उनको भी दिखाओ कि बड़ा मज़ा आएगा। आपने स्टैटिक्स ऐसी कहीं नहीं पढ़ी होगी, आपने जो आपके जितने भी भैया दोस्त वगैरह सबको जोड़ लो, सबसे कहो कि भैया स्टैटिक्स की वीडियो इस बार देख ले, आपने ऐसी वीडियो आज तक कभी नहीं पढ़ी होगी पूरे यूट्यूब पर। ठीक, तो फटाफट से आइए रफ नोट वगैरह पहले कहीं बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखिए भैया स्टैटिक्स में हम पहले चैप्टर कराएंगे आपका जो है कॉमन कैटेनरी। थोड़ा सा वर्ड अजीब है, आवाज समझ में आता है, काय को टेंशन लेते हो, देखिएगा कॉमन कैटेनरी देखिएगा। देखिए भैया इसमें स्टैटिक्स वाले पोर्शन में हम जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका कॉमन कैटेनरी। अब जी कैटेनरी क्या होता है, देखिए भैया हम स्टार्ट कर रहे जा रहे हैं कॉमन कैटेनरी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के अभी अपने माइंड को फॉर्मेट मारो, मैं क्या करूं वो काम है करो, एक सेकंड के अंदर अपने माइंड को डाटा बिल्कुल फॉर्मेट कर दो। अभी आप ऐसे हो कि आप कुछ नहीं जानते हो, अपने माइंड को ऐसा करो, जल्दी करो फटाफट से अपने माइंड अपने कंट्रोल में करो, पहले सारी बातें भूल जाओ। भैया ये टॉपिक बड़ा ही जोरदार है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी अपनी मेमोरी को फॉर्मेट कर लो, हम कितना जानते थे कितना नहीं जानते वो सब भूल जाओ, अभी ओनली सीखने पे अपना कॉन्सेंट्रेट करो, एक लालसा पैदा करो कि हम ओनली अभी सीख रहे हैं, कोई संशोधन नहीं कुछ नहीं, माइंड बिल्कुल खाली करो, डस्टबिन बना दो माइंड को। अब जाए देखो गौर से, कॉमन कैटेनरी यहाँ मैंने लिखा हुआ, पहले कॉमन कैटेनरी से पहले ये शब्द जो लिखा है कैटेनरी ये क्या होता है, देखो अभाल फीलिंग करवाता हूँ, देखिएगा उससे पहले ये कैटेनरी क्या होता है। ठीक, चलिएगा इस पे हम चर्चा करते हैं, माइंड खाली शांत दिमाग सारा कंसंट्रेशन पूर्ण फीलिंग करवाता हूँ। देखिए कैटेनरी का है, आपने कभी अपने घर पे कपड़े सुखाए भैया, कपड़े सिखाए होंगे, मान लीजिए भैया आपके दो लट्ठा हैं, ठीक, इस पे आपने केबल बांध दी, का बांध दी केबल बांध दी, जी बांध गई भैया केबल। अब तुमको भी देखना जब आप बिजली की केबल अपने घर तक लेके आओगे भैया, वह कितनी भी तुम टाइट खींच लियो भैया, वहाँ झोल जरूर आ गई, चाहे कितनी भी टाइट खींच लेना, पूरी दम लगा देना,
तार टूट जाएगा लेकिन उसमें झोल जरूर आएगी। फीलिंग कर पा रहे हो फीलिंग? या तुम अपने घर पे ही देख लो, आप कपड़े सुखाती होंगी मम्मी तो आप देखते होगे यहाँ पे एक चोबा ठोका, एक चोबा यहाँ ठोका, भैया केविल जो होका है आप कैसे भी बांध दो उसमें थोड़ी थोड़ी झोल हमेशा रहती है कि नहीं। फीलिंग कर पा रहे हो भैया? फीलिंग कर ली यहाँ पे अगर आपने तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अगर आपने फीलिंग कर ली सारा काम फीलिंग का है। फीलिंग आ रही है भैया? कुछ नहीं करना है आपको, जो अर्गनी होती है कपड़े टांगने वाली बाय कब उसको गौर से देखना आराम से, एक आहिस्ता से बैठ के उसमें थोड़ी थोड़ी आपको झोल दिखेगी। अरे भैया कुछ नहीं, वो झोल है का बाई से कैटेनरी कहते हैं, जो झोल है उसी से हम कैटेनरी कहते हैं, इसी झोल से कहते हैं कैटेनरी, समझ गए? जो को फीलिंग आएगी। दो खंबे हमारे पास, हमने क्या किया उसमें साकर बांध दी, हमने साकर इसमें बांध दी। साकर बंधने के बाद कितनी टाइट बांधोगे आप तो भैया उसमें थोड़ी बहुत तो झोल आएगी, जितनी झोल आएगी उसी को हम कैटनरी कहेंगे। अच्छा अभी तो आप मुझसे जी कह रहे हो कि हमने दो दो लट्ठे लिए, इसमें जो झोल आ रही है ये कैटनरी है। अच्छा आवाज ये तार टूट गया, फिर क्या होगा? आवाज एक ही लट्ठा हम पे तो लो जी आ गई कैटनरी। तो आप देख पाओगे, फीलिंग करो अगर मान लो ये तार टूट गया, या हमारे पास मान लो इतना ही सिस्टम है छोटा सा, अभी एक लट्ठा है उसमें रस्सी बांध दी है, तो देख पा रहे होगे रस्सी जो क्या है वो इस टाइप से जाएगी। तो कैटनरी भैया केवल झोल है, झोल से कहते हैं कैटनरी, झोल झोल झोल। यहाँ पर कितनी झोल आ रही है, ये इतनी सी यहाँ तक ये झोल आ रही है, ये जो झोल होगी भैया ये आपकी कैटनरी कहलाएगी, समझ गए? या साफ साफ देख लो कैटनरी का मतलब होता है झोल, झोल झोल झोल। जो जितनी आपकी झोल होगी, जितनी ज़्यादा झोल उतनी ज़्यादा कैटनरी, जितनी कम झोल उतनी कम कैटनरी। कैटनरी का है झोल है, जो को फीलिंग आ गई है। कैटनरी कैसे कहते हैं? झोल से कैटनरी कहते हैं। हवाले एक तार नोकर के बना हुआ है, जिस यहाँ से टूट गया जिस तार जो जा रहा है इसकी कैटनरी का, कैटनरी जितने हिस्सा में झोल है उतना हिस्सा भैया कैटनरी कहलाएगा। जितने हिस्से में झोल है इतनी इतनी झोल है, ये पूरी झोल आपकी क्या कहलाएगी? कैटनरी कहलाएगी। नोको आपको फीलिंग आ चुकी है, बस फीलिंग आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक? अब देखो मैं जो हमने अभी यहाँ पे जो हमने समझाया आपको कि दो स्तंभ लेते हैं उनके बीच की झोल होती है उसी को हम कैटनरी कहते हैं। अभी इसको हम गणितीय भाषा में थोड़ा सा इंग्लिश थ्योरी में लिख देंगे, आपके फुल HD क्वालिटी में क्लियर हो जाएगा, बस एक बार इसको पढ़ लेना। नोको समझ में आ चुका है, कैटनरी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कॉमन कैटनरी की। अब जो कॉमन कैटनरी का होती है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपको क्या यही तो बताया है कि हमारे पास दो लट्ठे हैं, उसमें हमने जिस चैन बांधी है उसमें झोल आ रही है, बस वही कैटनरी है। मैंने तार कैसा है मैंने इसकी कोई चर्चा नहीं की कैटनरी में, मैंने केवल इतना बताया कि तार चाहे कैसे हो, मोटा पतरा कैसे हो, बामो जो झोल आ रही है वो आपकी कैटनरी है, ये तो मैंने कही। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी में भैया तार पर चर्चा करनी पड़ेगी, यानी कि तार भैया आपका झुका है ऐसा हो सकता है। देखो तार अगर आपका मान लो ऐसा है, यहाँ पर मोटा हो गया, यहाँ पतला हो गया, फिर यहाँ पतला हो गया, फीलिंग कर रहा? ये तार ऐसा है, यहाँ पर जो मैंने चर्चा की थी ओनली कैटनरी में, मैंने आपको केवल इतना बताया था कि कोई सा तार बना हो उसमें झोल आ रही है वही कैटनरी है। मैंने जी थोड़ी कही कि ये तार कैसे होगा। अवाल मान लो जा जगह जितार लगाए दो तो जहाँ में जो झोल आ रही है वो कहाँ है? कैटनरी है। यानी कि सिंपल कैटनरी में हम तार नहीं देखेंगे, तार चाहे कैसे हो बस वहाँ में झोल होनी चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं कॉमन कैटनरी में, भैया तार का रोल अदा होगा। कॉमन कैटनरी ये कहती है कि भैया बस तार जो झोल दे रहा है, जो तार हमें झोल दे रहा है, उस तार में आप कहीं पर भी कितना भी हिस्सा काट लो उसका वेट समान होना चाहिए। अगर तार मोटा पतला है, यहाँ का इतना हिस्सा काटोगे तुम इसका वेट ज़्यादा होगा, इस पतले वाले हिस्से में से टुकड़ा काटोगे इसका वेट कम होगा, तो भैया ये आपको कॉमन कैटनरी में नहीं आएगा। कॉमन कैटनरी में केवल भैया वही चीज़ आएगी, वही तार लिया जाएगा जो पूरा तार एक सी मोटाई का हो। तो भैया कॉमन कैटनरी में केवल वही तार आएगा, भैया चाहे तुम कौन से काट लो, कितने टुकड़ा अलग अलग ले लो एक ही साइज के, उन सब का वजन समान होगा, समझ गए? ऐसा नहीं है कि तार आपका मोटा हो, एक टुकड़ा यहाँ से काटा ये वजनदार ज़्यादा हो गया, एक टुकड़ा यहाँ से काटा उसका वजन कम रह गया, तो वो आपका कॉमन कैटनरी में नहीं आएगा, वो आपका ओनली कैटनरी में आएगा। दोबारा समझ लो भैया, कैटनरी में मैंने केवल ये कही है कि कोई भी तार हो, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, ये भी चलेगा कैटनरी में, तो कैटनरी में ये भी चलेगा। कैसा अभी वो झोल आ रही है भाई से क्या कहते हैं? कैटनरी कहते हैं। लेकिन कॉमन शब्द जब जुड़ जाता है तो भैया तार ये नहीं काम करेगा, तार केवल वही काम करेगा जो सबरो 100 तार हो, बिल्कुल 100, जितनी मोटाई यहाँ है उतनी मोटाई यहाँ हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम तार में से कितने एक साइज के छोटे छोटे टुकड़ा काटे हैं उनकी जो वजन आए बिल्कुल समान आना चाहिए, तो उस टाइप के तार से बनी कैटनरी को हम कॉमन कैटनरी कहेंगे।
और जो सिंपल कैटेनरी है बा में कोई से ता चलन में चलन दो, केवल कैटेनरी है चलने दो, कॉमन शब्द जुड़ गया तो भाई जी तार काम नहीं करेगा, तार हमें एक सोचेंगे, उस तार को हम कहीं से भी काटें उसके प्रत्येक टुकड़े का वजन समान हो, और कैटनरी में कौन से तार हो चलन दो भैया झोल दे रहा है तो वो कैटनरी है, कॉमन कैटनरी में क्या करेंगे कौन से तार काटो उसके हर एक टुकड़े का वजन समान आए। तो आई होप आपको अच्छे से फीलिंग आ चुकी होगी कि कैटनरी और कॉमन कैटनरी में क्या अंतर होता है। फीलिंग आ गई एक बार यस करके कमेंट में संबोधित जरूर करते हैं। जो लोग लेट आ रहे हैं भैया उनसे मेरी गुजारिश है भैया कृपया करके वीडियो को स्टार्टिंग से प्लेबैक करके देखें वरना धुआं उड़ जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ गए? ठीक है तो आइए फटाफट से हम ये दो टॉपिक समझें। अब हम इन्हीं दो टॉपिक को डेफिनेशन से लिखते हैं और फटाफट से इन दोनों को छाप लेते हैं, देखिएगा ठीक। इसलिए पहले मैं समझाता हूँ फिर बाद में थ्योरी लिखाता हूँ। देखिए क्या है कॉमन, देखिए आपसे देखिए भैया कैटेनरी की डेफिनेशन क्या है अभी आपको पढ़ के दिखाऊंगा, आप सारे से आपको दिख रहा होगा। देख क्या लिखा है, व्हेन अ परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, मेरे वर्ड्स में गौर करना, इधर उधर मन देखो यार, वर्ड्स में गौर करो, रीड लगा लो दिक्कत हो रही है। तो देखो व्हेन अ परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, हमारे पास कोई सी चैन है या स्ट्रिंग है जो फ्लेक्सिबल होती, जो फ्लेक्सिबल है, फ्रीली हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट्स, भैया गुरुत्वाकर्षण बल, हमारी पृथ्वी सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो भैया ऐसे ही दो पॉइंटों के बीच में आराम से लटका हुआ है। मैंने क्या कहा, कोई हमारे पास चेन है जो फ्लेक्सिबल है, दो पॉइंट ए और बी कोई से होंगे उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत बड़े ही आराम से लटका हुआ है, फ्रीली लटका हुआ है। ठीक आगे बढ़ते हैं, विच आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, इसको समझिए, विच आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, यानी कि हमारा जो तार लटका है बिल्कुल फ्री लटका है, नीचे इसमें आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, धरती है हमारे, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कार्य करेगी, छोटी छोटी इसमें झोल आ रही है। इसमें देखिए एक लाइन ये लिखी हुई है, क्या लाइन है, विच आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, यानी कि जो तार टंगा है ये जरूरी नहीं है कि वो सेम वर्टिकल लाइन में टंगा हो, कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है जो स्तंभ लगे हैं दोनों एक ही बराबरी के हों, ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं भैया, इतना छोटा ये भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है जो तार टंगा है वो सेम वर्टिकल लाइन वाले पॉइंट के बीच में टंगा है, यानी कि जिनकी लंबाई सेम है एक जैसे हैं एक ही नाप के हैं, जरूरी नहीं है, अगर छोटे बड़े स्तंभ हैं उनके बीच में तार टंगा है उसमें कैटेनिटी आ रही है तो वो भी उसमें काउंट होगी। कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में ये मत सोच लेना कि केवल दो एक जैसे तार हो, दो एक जैसे स्तंभ हो, उनके बीच में झोला रही है वही कैटेनिटी है, जरूरी नहीं है, एक स्तंभ बड़ा है छोटा हो सकता है, यानी कि सेम नहीं होंगे, ये गारंटी नहीं है, सेम की गारंटी नहीं है कि जितना बड़ा ये है उतनी बड़ा ये हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फीलिंग करवा रहा हूँ, देखो देखो दोबारा देखो, ये क्या है आपकी, ये आपकी चैन है, क्या है चैन, फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है फ्लेक्सिबल चैन है ये आपकी, देखो फीलिंग करवा रहा हूँ, व्हेन अ परफेक्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चैन, अभी केवल चैन को देखो, स्ट्रिंग चैन हैंग्स फ्रीली, हैंग माने टंगी है, ये टंगी हुई है फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी नीचे से इसमें धरती काम करेगी, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, फीलिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, फीलिंग आनी चाहिए यार, फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, विच आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, जरूरी नहीं है ये सेम हो, विच आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सेम वर्टिकल लाइन में हो, ठीक है, विच आर नॉट सेम इन द वर्टिकल लाइन, देन द कर्व, हाँ ठीक है, देन द कर्व इन विच इट हैंग्स, तो भैया कर्व निकल के आ रहा, देख रहे हो जो टंगी हुई है, जो टंगी है इसमें जो कर्व निकल के आ रहा है, जो टंगी हुई है जो इसके अंदर जो कर्व निकल के आ रहा है लिखा हुआ है इज कॉल्ड कैटनरी, वही क्या कहलाती है, कैटनरी कहलाती है भैया। अब तो ब्लड में घुल गया होगा, फटाफट से ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करती हूँ, फटाफट से डेफिनेशन को देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने, कैटनरी की डेफिनेशन अभी मैंने जो समझाया भैया वो ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा, व्हेन अ परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चेन, जो हमारे पास कोई रस्सी है जो फ्लेक्सिबल है, ठीक, हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स में कायम है, यानी कि धरती के ऊपर टंगी हुई है, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक दो पॉइंट्स के बीच में, विच आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, मैं बता चुका हूँ जरूरी नहीं है जो पॉइंट्स हैं आपके वो ऐसे ही एकदम सीध में है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये है विच आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, देन द कर्व विच इन इट हैंग्स, भैया जो टंगने पर उसके टंगने पर जो झोल आएगी इस कॉल्ड कैटनरी, फीलिंग आ चुकी है, आप ज़्यादा नहीं बोलूंगा वरना बाउंस होने लगेगा। ठीक यहाँ पे आते हैं, देखिए कॉमन कैटनरी, मैंने अवल का बताई भैया कॉमन कैटनरी में जो तार हमने टांगा है वो जमाने रखता है, कैटनरी हो सिंपल उसमें तार कैसा भी हो चलेगा, झोल आनी चाहिए,
लेकिन कॉमन शब्द अगर जुड़ गया तो कॉमन शब्द में भैया हमारा तार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो हमारा तार है वो भैया एक लेवल का होना चाहिए, पूरे की मोटाई समान हो। कहीं से भी तार के छोटा टुकड़ा कहीं से काट लो या दूसरे लंग से कहीं से काट लो, दोनों का वेट समान होना चाहिए। तार मोटा पतला ना हो, बिल्कुल एक लेवल का तार हो। देखो वो चीज यहाँ लिखी है, इफ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, भैया जो स्ट्रिंग हमने ली है उसका पर यूनिट कहीं से काट लो, कहीं से काट काट के देख लो वेट है का है, और चेन इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट माने सबका सेम, नेत वेग नेत रहेगा उनका वजन नेत रहेगा, जितना इसका है उतना इसका, इतना इसका यानी कि कांस्टेंट रहेगा, देन इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म और कॉमन कैटेनरी। तो इस तरह बनी कैटेनरी को, जो झोल आ रही है इस तार द्वारा बनी कैटेनरी को, हम यूनिफॉर्म भी कहते हैं और कॉमन कैटेनरी भी कहते हैं। देखो भैया बड़े प्यार से सब चीज आपके अंदर घुस चुकी है, बड़े प्यार से। इसी बात पे एक लाइक ठोको फटाफट से वीडियो को और शेयर जरूर करना भैया, शेयर करना मत भूलो, अपने दोस्तों को बताओ कि भैया बड़ा जोरदार कराया जा रहा है यहाँ पे। चैनल पे आइए, देख के सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, समझ में आ चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए, वेन अ परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, देन द कर्व जो बन के आएगा भैया उसको हम कहेंगे कैटेनरी। अगर आपका तार ऐसा है जैसा है जिसकी पर यूनिट वेट आपका इक्वल आ रहा है, समान आ रहा है, कॉन्स्टेंट बोलेंगे उसको, तो ऐसी कंडीशन में बनी जो झोल आएगी उसको कैटेनरी कहेंगे। वो कैसी कहलाएगी? कॉमन कैटेनरी, और आपकी यूनिफॉर्म कहलाएगी, ठीक। तो चलिए इन दो पॉइंट्स को क्लियर करते हुए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या एक थ्योरम टाइप में प्रूफ करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर यूनिवर्सिटी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो हर एक में पूछा जाता है, 10 नंबर में पूछा जाएगा, 10 या 12 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया एक क्वेश्चन हम प्रूफ करने जा रहे हैं। बड़े जुदा तरीके से मेरे साथ साथ बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, बड़ा ही मजा आने वाला। द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी, यानी कि जो आपकी कॉमन कैटेनरी बनती है, कॉमन कैटेनरी बनती है, कॉमन कैटेनरी क्या ऐसी होती है, आपको फीलिंग आ चुकी है, मैं भी बता चुका हूँ कॉमन कैटेनरी कैसे बनती है। अब तार हमारा इस तरह से टंगा हो, इसकी पर यूनिट लेंथ का वेट कैसा हो, इक्वल हो, ठीक। तो हमें प्रूफ करना है, हमें निकालनी है इक्वेशन, निकालनी काहे की निकालनी है, इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है किसकी, कॉमन कैटेनरी की। तो भैया पहले कॉमन कैटेनरी तो लेके आओ, तभी तो आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन निकलेगी। अब हाल बताऊंगा ये क्या होती है इंट्रिंसिक इक्वेशन, पहले कॉमन कैटेनरी ले आते हैं। तो देखो मैं कॉमन कैटेनरी को लेकर के आ रहा हूँ, फिर हम उसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि आप हमेशा याद रखना भैया जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है हमेशा कॉमन कैटेनरी के ही लिए निकालते हैं, और आपके पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा जोरदार टॉपिक है, देखिएगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं कॉमन कैटेनरी को लेके आता हूँ, उसी के बाद तो हम उसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल पाएंगे। देखिए कॉमन कैटेनरी ये लेके आया मैं, देखिएगा गौर से देखना। मान लीजिए भैया आपके ये कोई पॉइंट है, ठीक है भैया, ये आपके दो पॉइंट्स हैं। अब दो पॉइंट्स हैं तो भैया उनमें भैया कुछ ना कुछ, ठीक है, आपके दो पॉइंट्स आ गए। अब हमें कॉमन कैटेनरी बनानी है, तो हम इसमें क्या लगाते हैं, तार बांधते हैं जो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो, और एक नाप का तार हो, लो बांध दिया तार, ठीक है। देखिएगा मैंने कुछ नहीं किया है, हम अभी पहले कॉमन कैटेनरी बना रहे हैं, कॉमन कैटेनरी के बाद हम उस कॉमन कैटेनरी की ही क्या निकालेंगे, हम इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले कॉमन कैटेगरी होनी चाहिए, कॉमन कैटेनरी वो कैसे बनती है, हमने देखो कोई दो पॉइंट ले लें, उनमें मैंने तार बांध दिया, ये तार बन गया, ठीक, अच्छी तरीके से इसमें झोला आ रही है, ये आपकी कॉमन कैटेनरी हो गई। अब देखो इसमें और क्या क्या चीज़ दिखाई देती है, देखो अगर हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पर आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका मूल बिंदु ओ, ठीक। अब जरा गौर से देखना, इसकी जो झोल आ रही है, इसकी झोल आ रही है, तो इसमें जो मैक्सिमम जो झोल है वो यहीं पे तो आ रही है, फीलिंग करना भैया, फीलिंग करनी पड़ेगी, इसकी जो आपकी मैक्सिमम जो झोल आ रही है वो यहीं पे तो आ रही है। इसको नाम देता हूँ मैं सी नाम देता हूँ, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, कैपिटल सी। भैया इसकी जो मैक्सिमम झोल आ रही है वो यहीं पे तो आ रही है, इस पॉइंट पर अधिकतम झोल यहीं पे तो है, अधिकतम ज़्यादा कैटेनरी यहीं पे तो, इसको नाम दे दिया मैंने कितना, सी नाम दे दिया। अब भैया जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो आपको फीलिंग करनी है जोरदार तरीका से, सबरा काम फीलिंग के ऊपर निर्भर करेगा। अब भैया इसको बात करते, देखिए भैया अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही जोरदार है, दिमाग रीसेट मार दो अपना, देखिएगा। अब मैंने इसको देखा, हमें जो भी अब काम करना है वो केवल इस तार पर ही करना है। क्या भैया आप में से मुझे कोई एक चीज़ बता सकता है, क्या चीज़? तो भैया ये जो तार आ रहा है, जो तार आ रहा है, पहले हम क्या करें, इतना काम सही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, उसमें कैटेनरी कहाँ है, देखो ये तो कैटेनरी है, ये रही मैंने कहा कि झोल झोल झोल, ये आपकी कैटेनरी जा रही है। देखो यहाँ पर इक्वल कैटेनरी है, हम चाहें तो यहाँ मान लें या यहाँ पर मान लें, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट मानता हूँ, पी नाम देता हूँ उसको, इसके कोऑर्डिनेट्स मानता हूँ मैं, इसके निर्देशांक एक्स रे, में जो झोल है यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से में, ये आपकी क्या है, कैटेनरी है, कॉमन कैटेनरी। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट पी मान लिया, क्या मैंने पॉइंट मैंने पी माना, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये हमारा पूरा जो पोर्शन हो गया कैटेनरी से घिरा हुआ,
वो क्या हो गया, सीपी हो गया। अब क्या आप लोग फीलिंग कर सकते हो, क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि भैया यहाँ पे कितने फोर्स काम करेंगे इस झोल वाले एरिए पे, कितने फोर्स काम करेंगे इस कैटनरी पे, क्या मुझे कोई इस बात को बता सकता। सोचो, फीलिंग करो। फीलिंग मैंने कहा कि भैया फीलिंग करनी पड़ेगी तब मज़ा आएगा आपको मैकेनिक्स पढ़ने में, इसीलिए मैंने लेट स्टार्ट किया है। फीलिंग करके मुझे बताओ क्या भैया इतने हिस्से पे, इतने हिस्से पे कितने फोर्स काम करेंगे, कोई बता सकता है। सोचो, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए मैं बताता हूँ, जरा फीलिंग करना। अब फीलिंग करो, आपके पास अर्गनी है, आपने क्या करा, दो डंडे लिए या बांस लिए, चोबा लिए, इसमें आपने बड़ा कस के कोई तार बांधा, केबल बांध दी तार वाली, जो आपके घर में लाइट आती है ना, वो केबल आपने बांध दी। आपने फीलिंग करी होगी बात, केबल कितने कस के खींचोगे, कितने कस के खींचोगे, नहीं मैं पॉइंट दे रहा हूँ, फीलिंग कर पा तो कर लेना, उसमें झोल जरूर आएगी, कितने भी कस के खींचोगे उसमें झोल जरूर आएगी, यानी कि फीलिंग कर रहे हो ग्रेविटेशन फोर्स में काम करेगा, झोल तभी तो आ रही है। दूसरा फोर्स जहाँ पे आप खींच रहे हो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल भी तो इसमें कार्य करेगा बल, और तीसरा बल जो झोल आ रही है एक जगह बना हुआ है, तो जे भी तो इसमें तनाव बल टी कार्य करेगा, टेंशन कार्य करेंगी। फीलिंग आ गई, आई होप मैं थोड़ा सा फास्ट बोल गया। स्लो मोशन में देखते हैं, देखिए स्लो मोशन में, स्लो मोशन थोड़ा सा फास्ट मोशन में हो गया था ना। देखिए फॉरवर्ड करते हैं उसको हम, आपके पास अर्गनी है जिसमें भैया आपने लाइट वाली केबल बांध रखी है बड़ा जुद्दा तरीका से, उसको कितना भी खींचना वो नीचे जरूर झुकेगी, कितना भी खींचना नीचे झुकेगी। दो दो बल यही हो गए आपके, फीलिंग आई, देखो दो बल ये खींच रहे हो, ये नीचे झुक रही है, ये खींच रहे हो नीचे झुक रही है, और तीसरा बल ये चोबे लगा हुआ है इससे तनाव बल कार्य करेगा। आप लोग फीलिंग करो, ये तार है आपका, नीचे खींचोगे तो देखो नीचे से एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, दूसरा इस पर तनाव बल टी टेंशन फोर्स काम करेगा। आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, अगर आप धागे में गिट्टी बांध के लटकाते हो तो उसमें देखो एक तो तनाव बल कार्य करता है टी टेंशन, और नीचे वाला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। फीलिंग आ रही है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। फीलिंग आ गई तो यानी कि जो आप तार जो अपने कसके बांधा है इस पर तीन तीन बल कार्य करेंगे, तीन तीन टेंशन लगेंगे यहाँ पर। कौन कौन सी टेंशन, अरे भैया एक तो टेंशन ये जो झोल आ रही है, भैया झोल क्यों आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है इसको, मैं डब्लू कह रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। दूसरा बल भैया आपने जो कस के जालन खींच के बांधी है, ये जालन खींच के बांधी है, हॉरिजॉन्टल बल तो लगाया आपने खींच के, हॉरिजॉन्टल बल काम किया, तो एक हॉरिजॉन्टल बल भैया इस तार पर जालन कार्य करेगा, इसको मैं कहता हूँ टेंसर टी नॉट। जो हॉरिजॉन्टल बल जालन काम करेगा उसको मैं कह रहा हूँ टेंशन टी नॉट, और एक बल तनाव बल कार्य करेगा। यहाँ देखो तनाव बल कार्य नहीं करेगा, देखो नीचे खींच रहा है, ऊपर ये बना हुआ है, तो तनाव बल टेंसर टी ऊपर की ओर कार्य करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा, और नीचे वाला इसको नीचे ले जाएगा, इधर वाला इसको इधर ले जाएगा, तीनों बल लगेंगे भैया, तब आपका बीचा बीच में संतुलन की अवस्था में आएगा, समझ गए। यानी कि देखो नीचे वाला नीचे खींचेगा, इधर वाला आपने कस के बांधा है, ये बल इधर खींचेगा, और इसके पास जो बल है वो नीचे खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है, यानी कि एक तरह से आपके तीन तीन बल कार्य कर रहे हैं। जब तीनों बल यहाँ कार्य करेंगे तब आपका सेंटर पॉइंट यहाँ आएगा, इसका जो पीक है वो आपका संतुलन की अवस्था में तभी होगा जब उस पर तीनों बल कार्य करेंगे। अगर तीनों बल कार्य नहीं करेंगे संतुलन नहीं होगा, जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है इधर उधर चला जाएगा, इधर उधर खींच जाएगा, संतुलन में काम नहीं करेगा, टूट जाएगा तार आपका। अगर संतुलन में ये कर तभी होगा जब इस पर तीनों फोर्स कार्य करेंगे, ये आपका संतुलन में आपका जो कैटेनरी है वो संतुलन में तभी होगी या उस पर भैया तीनों फोर्स काम करेंगे। आई होप आपको फीलिंग आ चुकी है, तीन तीन फोर्स मैंने अभी बताए, कैसे बताए, फील कर लिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो फटाफट से मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक, आगे चले और लॉट के फिगर पे आ जाओ। देखिए लॉट के हम कहाँ पे आ गए, फिगर पे आ गए हम। देखिएगा हवाल मैंने क्या बताई, जो आपकी कैटनरी है इस पर तीन तीन बल कार्य करेंगे, आपने कस के कोई केबल एक तार से एक चोबा आते दूसरे चोबा में कस के बांधी, तो इतने तो आपने बल लगाया, खींचा क्या नहीं, हॉरिजॉन्टल जी खींच गया। यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट डाल दी, मैंने टेंजेंट इसलिए डाली है भैया ताकि आपको जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपको और HD क्वालिटी में क्लियर हो जाए, समझ गए। यानी कि इस जो पीक जो बन रही है इस पर जो फोर्स काम करेगा वो आपकी टेंशन टी नॉट काम करेगी। देखो फीलिंग आ गई, आपने जब इधर कस के खींचा तब भी इसमें झोल आई, तो वो झोल है भैया उस पर एक बल तो इधर कार्य कर रहा है, समझ गए। एक बल आपको नीचे की ओर कार्य करेगा, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीपी जो आपकी जो कैटनरी आई है इसकी मैं कुछ लेंथ मानता हूँ, यहाँ पर मैं एस मानता हूँ उसकी लेंथ, कितनी मानूँ मैं एस। अब फिर दोबारा फीलिंग करनी पड़ेगी, समझ गए। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कि उसकी इतनी लेंथ पर कार्य करेगा, इतनी लंबाई पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा है वो कौन सा कर रहा है भैया, वो WS कार्य कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक।
अब हम एक और टेंसर काम करेगा, एक और टेंशन लगी भैया हमें, कौन सी तनाव भैया, तनाव व टेंशन, तनाव बल कार्य करेगा इस चोबे में से जो नीचे खिंच के आ रहा है वो, जो तनाव यहाँ पैदा हो रहा है वो। तो भैया इस तनाव बल की डायरेक्शन को और बखूबी देखने के लिए यहाँ पे हम एक और टेंजेंट डालते हैं। मैंने कहा कि टेंजेंट हमारे बल की डायरेक्शन अच्छे से दिखाएगी, फोर्स की डायरेक्शन को और बखूबी क्लियर करेगी, जैसे यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे हम टेंजेंट डालते, देखिए टेंजेंट मैंने यहाँ पे डाली, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट यहाँ पे भी मैंने डाल दी। यहाँ पे एक जो तनाव बल कार्य करेगा भैया वो टेंशन टी लगेगा, वो किसकी डायरेक्शन में है भैया, वो इस टेंजेंट के अलोंग है। यहाँ पे भैया जो टेंशन टी काम करेगा, तनाव बल ऊपर की ओर खींचेगा इसको, वो किसके अलोंग है, जो मैंने टेंजेंट खींची है इसके अलोंग है भैया। ये टेंजेंट से और स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो फोर्स काम कर रहा है ऊपर को कर रहा है। इस टेंजेंट का रोल बस यही है कि आपको जो बल की डायरेक्शन है वो बेहतरीन समझ में आए, ठीक। और यहाँ पर देखिए जो टेंजेंट है आपकी जो एक्स एक्सिस के संग जो आपका कोण बना रही है, जो एंगल क्रिएट कर रही है, उसको हम नाम देते हैं साई। कोई डाउट यहाँ तक, उसको हम क्या नाम देते हैं, साई। और यहाँ पे हमने जो पॉइंट माना है यहाँ से, इसको नाम देते हैं हम जी। हम फाइंड आउट करने जा रहे थे इंट्रिंसिक इक्वेशन काय की, ऑफ कॉमन कैटेनरी की। हम इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालने जा रहे थे कॉमन कैटेनरी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैंने कॉमन कैटेनरी बनाई। कॉमन कैटेनरी में मैंने थोड़ा सा जूम किया तो मुझे पता चला भैया जो कॉमन कैटेनरी बन रही है उसमें तो भैया तीन तीन फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है। तब ये तीनों फोर्स लगने के बाद तब भैया जी आपकी जो क्या है संतुलन की अवस्था में कैटेनरी आती है। यहाँ तक कोई डाउट, इतना ही मैंने खेस्तान करी है, यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा, सब चीज़ आपके सामने रखी है मैंने, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मानता हूँ मैं स्मॉल सी, ये आपकी कैपिटल सी, ये आपकी स्मॉल सी, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। यहाँ पर जो टेंशन कार्य कर रही थी, टेंशन यहाँ पर जो खींच रही थी हॉरिजॉन्टली, वो टी नॉट हो गई। नीचे जो खींच रहा था, नीचे क्या खींच रहा था, देखो जो आपकी कैटेनरी की लंबाई है वो है एस, तो इस पूरी लंबाई पर ये बल नीचे को खींचेगा, उसको नाम दे दिया मैंने कितना, डब्ल्यू एस, ठीक। ऊपर जो खींचेगा वो टेंशन टी काम करेगी, किसके अलोंग है, जो मैंने आपकी भैया टेंजेंट खींची है वो उसके अलोंग है। टेंजेंट हमें केवल जो बल की डायरेक्शन है वो स्पष्ट रूप से क्लियर कराती है, इसीलिए टेंजेंट मैंने खींची है, ठीक। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, ये कुछ नहीं है, इन तीनों बल की समायोजित जो इक्वेशन आ रही है उसी को हम इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। अब फर्स्ट डाउट यहाँ उठेगा, इन तीनों बलों की समायोजन हम करेंगे कैसे। देखो बहुत ही सब कुछ फिगर बताएगा, फिगर हमें सब कुछ बताएगा, हम कुछ नहीं जानते। देखो फिगर कैसे बताएगा, देखो क्लास 12th में आपने पढ़ा था क्या कि भैया जब इसमें दो दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो आपका हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, तो भैया वर्टिकली कंपोनेंट क्या होता है, साइन होता है। भैया हमें कुछ नहीं करना है, हमें सब कुछ फिगर बताएगा। देखो इसमें और हमें क्या पता चल रहा है, देखो अब इसमें साइन कॉस घुसेंगे, क्यों घुसेंगे, क्योंकि भैया आपको पता है ऊर्ध्वाधर बल लग रहा है एक, और एक आपका क्षैतिज बल लग रहा है। तो भैया ये दोनों बल जब लगते हैं तो आपके घटक प्राप्त होते हैं, कौन से, ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक, और कौन से भैया, क्षैतिज घटक, मिलेगा इंटरवाली साई और कॉस साई, समझ तो रहे, कोई दिक्कत तो नहीं आता। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे जो आपके दोनों फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, एक ऊपर को कार्य कर रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे आपके दो दो आपके निकल के आएंगे, क्या दो घटक आएंगे, कौन कौन से, एक आपका ऊर्ध्व घटक, एक आपका क्षैतिज घटक। आपको पता है इंटर में आपने पढ़ा था क्लास 12th में यूपी बोर्ड में कि भैया ऊर्ध्व घटक होते हैं आपका साइन थीटा, और आपका क्षैतिज घटक होता है क्या आपका कॉस थीटा। बस आपको इनकी वैल्यू निकालनी है और उनसे अभी नेकोर 10 में लेकर के आना है, जो इक्वेशन आई भैया वो ये होगी आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन। देखो अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए भैया इस फिगर में हम जो ऊर्ध्व घटक लेंगे बोलेंगे हम टी साइन साई, और आपका जो क्षैतिज घटक लेंगे वो हम लेंगे आपका टी कॉस साई, यानी कि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है टी साइन साई, और हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है हमारा टी कॉस साई, यानी कि जो वर्टिकली फोर्स है वो है टी साइन साई, और जो हॉरिजॉन्टली फोर्स है वो है आपका टी कॉस साई, इनकी वैल्यू रख दो। जो आपका वर्टिकल फोर्स है वो क्या है, देखिए वर्टिकल फोर्स ये है, ये मत समझ लेना, ये तो ये तिरछा फोर्स है, ये वर्टिकल तो यही वाला हुआ भैया, गलत मत कर देना, ठीक है। तो वर्टिकल जो फोर्स है उसके लिए कौन सा कंपोनेंट है, टी साइन साई, इसकी वैल्यू रख दो। देखो वर्टिकल फोर्स क्या है, डब्ल्यू एस, ये वो गई वैल्यू कितनी, डब्ल्यू एस। नाउ हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन है, टेंशन टी नॉट, यही तो हॉरिजॉन्टल काम कर रहा है, इसकी वैल्यू होगी टी नॉट। बस अब समीकरण नंबर एक में समीकरण नंबर दो का डिवाइड लगाते हैं, ठीक है, डिवाइड लगाया मैंने, देखिए क्या मिला मुझे, यहाँ मुझे मिला आपका टी से टी कटेगा, टेन साई बराबर मुझे मिलेगा कितना, डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट। पर कहानी यहीं अभी ख़त्म नहीं होती है, अभी है, अब फीलिंग यहाँ पे तुम्हें दोबारा करनी पड़ेगी। यहाँ देखो जो हमारा कैटेनरी है, सी पी वाला पोर्शन है,
इसकी लंबाई कितनी है? एस। इस एस लंबाई में डब्ल्यू एस फोर्स लग रहा है, एस लंबाई में डब्ल्यू एस फोर्स लग रहा है। अब मैं आया इस सी पॉइंट पर, यानी कि जो हमारा टेंशन टी नॉट है वो फोर्स कहाँ लगेगा? गौर से देखना, यहाँ पे हमने ये लंबाई ली थी उसमें फोर्स ही लगा, इसकी लंबाई कितनी है? एस। फोर्स कितना लगा? डब्ल्यू एस। वैसे जी चीज यहाँ मैं न्यो करके आए, इसमें लंबाई कितनी है? सी। तो टी नॉट पर जो फोर्स लगेगा भैया, क्या टी नॉट हमारा डब्ल्यू सी के बराबर नहीं होगा? फीलिंग करो, यहाँ देखो सी पी जो पोर्शन है उसकी लंबाई कितनी है? एस। इस एस लंबाई में फोर्स काम कर रहा है डब्ल्यू एस। वैसे ही जो यहाँ पर सी पॉइंट है उसके लिए लंबाई जे है, क्योंकि यहाँ कहाँ पॉइंट है, यहाँ कोई लंबाई है ही ना, उस जैसे यहाँ पर लंबाई जे है एस, वैसे यहाँ के लिए जो लंबाई काम करेगी मुझे करेगी, इस लंबाई में फोर्स ऐसे कर रहा है तो वही इसका जस्ट उल्टा इस लंबाई में ऐसे काम करेगा। तो इस लंबाई के लिए जो फोर्स, जैसे कि यहाँ पर कितनी लंबाई एस, फोर्स डब्ल्यू एस, यहाँ पर लंबाई कितनी है सी, तो ये जो फोर्स होगा क्या ये डब्ल्यू सी के बराबर नहीं होगा? जो होगा, फीलिंग आ गई, समझ तो गई होगी, जितना इस लंबाई में फोर्स काम कर रहा है एस लंबाई में, कौन सा डब्ल्यू एस, वैसे वही जो लंबाई यहाँ पे है वही लंबाई तो जी है, तो इस सी लंबाई में कितना काम करेगा? डब्ल्यू सी काम करेगा, समझ चुके हो। तो टी नॉट बराबर डब्ल्यू सी रख दो यहाँ पे, कितना मिलेगा? टेन साई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू सी, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट्टा हो गया, एस बराबर आपको मिला कितना मिला भैया? सी टेन साई, एस इजिकल टू सी टेन साई भैया, यही है आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन। मैंने कहा कही थी बहुत सिंपल है, जो आपके तीनों फोर्स काम कर रहे हैं उन्हीं फोर्स का जो निकल के आएगा आपस में मसाला वही आया है जे, इसको बोलेंगे हम इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। अभी तो हमने थोड़ा सा रफली किया है, हम इसको बढ़िया प्रॉपर तरीका से अभी लिख के आपको बताऊंगा, यहाँ तक मुझे बताओ कोई डाउट नहीं होगा। एक बार इसको रिकॉल करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले एक कॉमन कैटेगरी बनाई। कॉमन कैटेगरी क्या होता है? ऐसा तार लिया जिसकी हर एक लंबाई कैसी इक्वल लंबाई है, कहीं से काट लेंगे उसका वेट समान आएगा, एक कॉमन कैटेगरी मैंने बनाई। फिर मैंने क्या किया, इसमें कैटेगरी कौन से हिस्से में आ रही है आपको दिख रहा होगा, झोल इतने इतने हिस्से में आ रही है, तो मैंने इसको नाम दे दिया, मैंने सी पी इसका नाम दे दिया, मैंने कोई पॉइंट लिया यहाँ पर पी पॉइंट लिया है ना, फिर यहाँ पर मैंने झोल देगा, झोल आपकी इतने हिस्से में आ रही है, मैंने इसको नाम दे दिया पी। ठीक, इसका नाम देने के बाद फिर मैंने फीलिंग करी, आपको फीलिंग करवाई, क्या फीलिंग करवाई कि भैया जो कैटेगरी है उस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, तो आपको लगा होगा तीन, तो अब मैं पता चला कितने फोर्स काम कर रहे हैं, तीन, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक, अब इन तीनों फोर्सेस का निचोड़ जो आया है भैया वही क्या इंट्रिंसिक इक्वेशन है, जो आपको पता होगा भैया जब इसमें फोर्स काम कर रहे हैं तो भैया इसमें ये ऊर्ध्व घटक या आपका क्षैतिज घटक आप इंटर पढ़ते आ रहे हो, आपका वर्टिकल कंपोनेंट आपका साइन होता है, और आपका जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट आपका साइन होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कॉस होता है, तो उनकी मैंने वैल्यू निकाल ली। यहाँ से सिंपल है, देखो साइन की जो वैल्यू कितनी आई थी आपकी, साइन, साइन आपका कहाँ कहाँ कर रहा है? वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स कौन सा है? डब्ल्यू एस, और आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है? डब्ल्यू सी, यहाँ पे यानी कि टी नॉट, वो मैंने बराबर कहा है कि डब्ल्यू सी के, क्यों है बराबर आपको बता चुका हूँ, क्योंकि भैया ये इतनी लंबाई का यहाँ पे आपका कैटेगरी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? एस, इतनी लंबाई में ये बल कार्य कर रहा है, तो भैया ऐसे ही यहाँ पर सी पॉइंट है, यहाँ कोई लंबाई नहीं है, इसलिए इसके लिए जैसे ये लंबाई काम कर रही है, तब इस एस लंबाई में कौन सा बल कार्य कर रहा है? डब्ल्यू एस, तो वैसे ही सिमिलरली इसके लिए ये लंबाई है, इस लंबाई की लंबाई है सी, तो इसमें कौन सा बल कार्य कर रहा है? डब्ल्यू सी, हमने वैल्यू रख दी, आपका राइट आंसर आया भैया वही क्या है? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। अब मुझे बताओ क्या इसमें ऐसा कुछ हुआ है? कुछ हुआ है बस, सारा काम आपका फीलिंग का है, तो ये फटाफट से इसके थॉट कर अच्छे से सजा के लिखते हैं और फटाफट से आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। अब हम इस पूरे डायग्राम को थॉटिकली हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने चलेगा, यहाँ देखिए ओनली जिस लाइन में मार्कर रख रहा हूँ वहीं आपको देखना है, हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है, काय की इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है हमें? यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्म माने कॉमन कैटेगरी की, तो पहले मैंने कॉमन कैटेगरी बनाई, देखिए लेट ए बी सी बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म माने या कॉमन कैटेगरी, स्ट्रिंग हैंगिंग फ्रीली, हमने एक स्ट्रिंग ली हैंगिंग फ्रीली लटकी हुई है फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी, इन बी के बीच में लटकी हुई है, सी इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेगरी, मैंने क्या कहा था जो सबसे लास्ट जो लोएस्ट पॉइंट है अधिकतम नीचे तक वो सी है, मैं सब चीज बता चुका हूँ, ठीक सी है, एंड वी कैन से दैट द टेंजेंट एट सी हॉरिजॉन्टल, मैंने क्या कहा जब हम टेंजेंट खींचेंगे वो कैसी खींचेगी? हॉरिजॉन्टल खींचेगी, ये आपने कभी फील किया होगा आपके जो 11th में आपने ग्राफ खींचे थे इस टाइप से, इस पे जो पीक्स आते थे इन पीक्स पे जो भी टेंजेंट खींचेगा हमेशा हॉरिजॉन्टली टेंजेंट खींचेगा, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टली खींचा है, ठीक है, हमने क्षैतिज इस पे एक स्पर्श रेखा खींची है, ठीक हॉरिजॉन्टली। नाउ लेट, फिर हमने कोई पॉइंट माना, क्या माना? पॉइंट पी माना, ये माना है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स बार, ठीक, बी एनी पॉइंट ऑन द पोर्शन सी ए,
जो पोर्शन है आपका सी है, मैंने पॉइंट्स उल्टे मान लिए, यहाँ पे बी कर लेते हैं, यहाँ पे हम ए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सी है, हमने यहाँ पे पॉइंट्स जो पोर्शन था उसमें को हमने पॉइंट माना पी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे आए हम। ठीक, सी ए ऑफ द स्ट्रिंग। नाउ वी टेक एन आर्क सी पी बराबर एस, कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा था सी पी का जो डिस्टेंस है, इसका जो आर्क हम बोलेंगे छोटा सा झुकाव है ना, इसको कैटेनरी है, इसकी लेंथ मैंने कितनी रखी, एस रखी, यहाँ पे एस है। ठीक, लेट डब्ल्यू बी अ वेट ऑफ यूनिट लेंथ, फिर मैंने कहा इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा वो यूनिट लेंथ पर कार्य करेगा, यूनिट लेंथ कितनी, यूनिट लेंथ कितनी, एस, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एस। देखो यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखा, देखो डब्ल्यू बी अ वेट ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देन द वेट ऑफ द पोर्शन ऑफ सी पी इज डब्ल्यू एस। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है भैया, अभी आपको जोर ज्यादा लग रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से नोट कर लेना। ठीक, डब्ल्यू एस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेट साई बी द एंगल, साई एंगल है, साई जे बनना है, काय का एंगल है, जो टेंजेंट मैंने खींची है जो बिंदु पी से होकर जा रही है और जो एक्स अक्ष को मिला रही है उसका पॉइंट, देखो वो लिखा है यहाँ पर, देखो लेट साई बी द एंगल दैट, किसका, द टेंजेंट ऑफ पी, जो पी से होकर जा रही है, पी के जो टेंजेंट है, मेक्स विद एक्स एक्सिस, जो एक्स अक्ष के संग साई कोण बना रही है। एनी डाउट यहाँ तक, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द आर्क सी पी ऑफ द कर्व, यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है भैया ये संतुलन की अवस्था में कब होगा, मैंने हाल ही बताया है इक्विलिब्रियम तब होगा भैया उस पर तीनों फोर्स काम करेंगे, कौन से काम करेंगे, तीन तीन फोर्स काम करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ था, देखिएगा, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द आर्क सी पी, तो सी पी आपका जो कैटेगरी आई है भैया आपकी इक्विलिब्रियम होगी, यानी कि संतुलन की अवस्था में होगी, कब होगी, ऑफ द कर्व दिस पोर्शन इज इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग थ्री फोर्सेस, ये आपकी जो कैटेनरी आई है, जो कर्व आया है, ये संतुलन की अवस्था में कब होगा, ये होगा भैया थ्री फोर्सेस के एक्शन में, अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस, इन तीनों फोर्सों के अंडर में होगा। तीसरा फोर्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी, मिटाल के लिखूंगा। ठीक, देखिए पहला फोर्स समझते हैं, वही पुराना काम, हॉरिजॉन्टल है, इधर खींचेगा, देखो वही लिखा है मैंने, देखो टेंशन टी नॉट, इस फोर्स को मैं कह रहा हूँ टेंशन दे रहा है, तीन तीन टेंशन है हमारे पास, तीन तीन टेंशन, टेंशन टी नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट सी, लोएस्ट पॉइंट सी है उस पर टेंशन काम कर रही है, जिसको बोल रहा हूँ मैं टी नॉट, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक हॉरिजॉन्टली लग रही है, इसको और स्पष्ट दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने टेंजेंट खींची थी। मैंने क्या बताया था, टेंजेंट का रोल केवल यही है आपको फोर्स की डायरेक्शन का अच्छा पता लगाना। ठीक, नाउ सेकंड पॉइंट देखिएगा, टेंशन टी एट द पॉइंट पी, मैंने क्या कहा था, ऊपर से काम करेगा, ऊपर खींचेगा, तनाव बल होगा टी, देखो वही काम कर रहा है, देखो टेंशन टी एट द पॉइंट पी काम कर रहा है अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट की दिशा में है, अलोंग द टेंजेंट पी, जो कौन सी टेंजेंट की दिशा में है, वो टेंजेंट जो मेकिंग एन एंगल साई विद एक्स एक्सिस। भैया यहाँ पर ऊपर से जो आपका जो काम कर रहा है तनाव बल, टेंशन टी जो काम कर रहा है वो किसके अलोंग में है, जो हमने टेंजेंट खींची है, जो एक्स अक्ष के संग साई कोण बना रही है उसकी दिशा में इसको कार्य कर रहा है। कौन काम कर रहा है, जो आपका टेंशन टी है, वो दो बल आपके हो चुके हैं, पहला बल ये, दूसरा बल ये, तीसरा पॉइंट यहाँ बन नहीं पाया, तीसरा पॉइंट आपको पता है मैं क्या लिखूंगा, पता है जो नीचे खींच रहा है वो तो रह गया ना, वो भी तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, नीचे वाला पॉइंट लिखते देखिएगा। हाँ तो देखिएगा भैया, जो आपका तीसरा फोर्स रह गया था, जो पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, अगर आपने इससे पहले का नोट नहीं कर पाया कोई बात नहीं है, वीडियो को पीछा करो, स्क्रीन शॉट मार लो फटाफट से। ठीक है, देखिएगा थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा, देखो थर्ड पॉइंट क्या है, द वेट डब्ल्यू एस, जो वेट काम कर रहा है, जो वेट है यहाँ पे उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा है, देखो क्या है वो, देखो द वेट डब्ल्यू एस ऑफ द पोर्शन सी पी, ठीक, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एट जी, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पूरे वेट पे, यानी कि जो झुकाव है पूरा, इस पूरे झुकाव में जो वेट, इसकी लेंथ कितनी है, एस है, इस पूरी लेंथ वाले झुकाव पे जितना नीचे फोर्स काम कर रहा है वो कितना है, डब्ल्यू एस है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी कि जो भैया आपका सी पी पोर्शन है, यहाँ पे जो आपकी कैटेनरी मिल रही है, इस कैटेनरी में जो झुकाव आ रहा है, इस पूरी यूनिट लेंथ में जो झुकाव आ रहा है, जो बल कार्य कर रहा है इसके वेट को नीचे की ओर, वो कौन है भैया, वो डब्ल्यू एस कार्य कर रहा है। देखो वही यहाँ लिखा हुआ है, द वेट डब्ल्यू एस ऑफ द पोर्शन सी पी एक्टिंग वर्टिकली, वर्टिकली माने नीचे की ओर लंबवत, ऊर्ध्वाधर, ठीक, वर्ड्स एट जी, ठीक है, कोई पॉइंट जी है उस पर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। अब भैया मैंने आपको बताया था, अब क्या हो गया, क्वेश्चन सारा खत्म। फिर मैंने क्या कही थी भैया, अब जहाँ पर कौन कौन से फोर्स कार्य कर रहे हैं, एक आपका वर्टिकली, एक आपको हॉरिजॉन्टली, आपको हमेशा याद है जब आपकी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फोर्स कार्य करते हैं तो भैया उनके कंपोनेंट आते हैं कौन कौन से, जो आपका वर्टिकल फोर्स होता है उसका कंपोनेंट क्या होता है आपका, टी साइन साई, अभी मैं बता चुका हूँ साइन साई होता है यहाँ पर, लेकिन टी लेकर के चलेंगे। जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है वहाँ पर क्या होता है, उसका जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है आपका, टी कोसाइन, यानी कि आपका ऊर्ध्व घटक और आपका क्षैतिज घटक।
या शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी इसको खोल के बताऊंगा ये टी यहाँ कैसे आया, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले ऐसे समझ लो, वर्टिकल फोर्स कहाँ है, नीचे की ओर जो काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, डब्ल्यू एस। ये बराबर हो गया काहे के, डब्ल्यू एस। क्वेश्चन नंबर वन, हॉरिजॉन्टल फोर्स ये कितना काम कर रहा है, टी नॉट। कितना काम कर रहा है, टी नॉट। लेकिन टी नॉट भैया, टी नॉट अकेला नहीं है, ये टी नॉट किसके बराबर है, यहाँ देखो दोबारा फिलिंग करनी पड़ेगी। सी पी जो पोर्शन है इसकी लेंथ कितनी है, एस। इसके पे जो फोर्स कार्य कर रहा है, डब्ल्यू एस। वैसे जो पॉइंट सी है इसके लिए जो लेंथ है वो जे लेंथ है, जे। यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ कोई लेंथ नहीं है, इसके लिए जो लेंथ मानी गई है वो ये मानी गई है, वो कितनी है, सी। तो यहाँ पर जो फोर्स कार्य करेगा वो कितना करेगा, डब्ल्यू सी। और टी नॉट बराबर डब्ल्यू सी। इक्वेशन दो से इक्वेशन नंबर वन में डिवाइड करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भैया टेन साई बराबर कितना मिलेगा, डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट। पर हम जानते हैं क्या, कि टी नॉट बराबर डब्ल्यू सी रख दो यहाँ पे, तो डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू सी कट गया, तो यहाँ पे आपको मिला एस बराबर सी सी टेन साई। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल निकल के वो आया आपका एस इजिकल टू टी सी टेन साई। ये जो इक्वेशन आई है इसी को हम कहेंगे रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। आई होप आपको पूरा डेरिवेशन बड़े जोरदार तरीके से ब्लड में घुल गया होगा। यहाँ पे आप देखिए, आपके डिमांड में यहाँ पे आपके माइंड में एक डाउट चल रहा होगा, क्या डाउट चल रहा होगा, कि यहाँ पर ये टी साइन साई कहाँ से आया। हमारा जो वर्टिकल फोर्स का जो कंपोनेंट होता है वो आपका केवल साइन थीटा होता है, ये टी कैसे आया। देखिए इस स्टेप को मैं यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ। पहले अपने दिमाग में एक बात डाल लो, क्या बात डाल लो, आपका कोई भी कर्व अगर आ रहा है तो जो कर्व में जो टेंजेंट खींचा जाएगा वो हमेशा आपका कर्ण का काम करेगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, डाल ली अब समझ में आ जाएगा। दोबारा बताऊँ, दोबारा समझ लो, कहीं भी आपका कोई भी कर्व है, आपने अगर उस कर्व पे कोई भी टेंजेंट कोई भी स्पर्श रेखा खींच दी तो भैया वो स्पर्श रेखा हमेशा कर्ण का काम करती है। नहीं पता था, अब पता हो गया, अब पता चल गया, कोई बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देखो हमारा जो वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है यानी कि हमारा जो ऊर्ध्व घटक होता है वो केवल साइन होता है। अब देखो इसी लाइन को मैं यहाँ जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये लाइन आई कैसा। देखिए आपके समझने के लिए बता दे रहा हूँ, वैसे तो यहीं से पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा। जो आपका वर्टिकल फोर्स है वो है ये, उसको कौन निरूपित करता है, उसको निरूपित करता है टी साइन साई। हॉरिजॉन्टल के लिए कौन निरूपित करता है, उसके लिए टी कॉस साई। वर्टिकल के लिए टी साइन साई, ये फोर्स थे मैंने लिख दिए। बस कट्टा पिट के जो क्वेश्चन मिले भैया वही क्या है आपकी, वही आपकी इंट्रिंसिक क्वेश्चन है काय की, कॉमन कैटेगरी की। ठीक, अब इसी स्टेप को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिएगा जूम कैसे करेंगे। यहाँ पे ओनली आपको मान लीजिए साइन साई है और ये है आपका ओनली कॉस साई। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा ट्रायंगल, दिख रहा है ट्रायंगल, देखिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए साइन साई बराबर क्या होता है, आपने हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा हुआ है, एल ए एल अपॉन के साइन कॉस टेन एल अपॉन के। अब देखो के कहा है, अब कछु लोग समझेंगे मालूम का, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, बताइए कर्व ये जा रहा है, कर्व पर जो टेंजेंट खींची है वही आपका कर्ण का काम करेगी, नीचे वाला वही कर्ण का काम करेगी, हाइपोटेन्यूस। ठीक, वही आपका क्या काम करेगी, कर्ण का काम करेगी। और लंब क्या है, लंब जेरा, लंब क्या है आपका, डब्ल्यू एस। दिख रहा होगा ये आपका लंब का कार्य कर रहा है नीचे की ओर वर्टिकली, आपका ये क्या है, लंब है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो डब्ल्यू एस अपॉन कर्ण क्या है, ये कर्ण क्या है ये, लेकिन ये कर्ण के अलोंग में कर्ण को निरूपित कौन कर रहा है, ये बल। मैंने क्या बताई, जो हमने टेंजेंट खींची है वो केवल बल की डायरेक्शन को दिखाती है, यानी कि जो कर्ण रूप में जो बल कार्य कर रहा है वो कौन कार्य कर रहा है, वो टी टेंशन काम कर रहा है, तो वो टी नीचे आएगा, तो टी तरह से करके मल्टीप्ल में चला जाएगा, तब आपको मिलेगा यहाँ पर ये रहा टी साइन साई बराबर डब्ल्यू एस, जो का बात पल्ले पड़ती है। ऐसे ही आप कॉस साई को निकाल लेंगे, जी बात मैंने आपको समझाने के लिए कहा था, ओनली इसको जूम करके देखेंगे कुछ ऐसा निकलेगा। कॉस बराबर क्या होता है, देखो ए अपॉन के आधार बट्टे कर्ण, बेस ये है नीचे वाला, बेस क्या है नीचे वाला, लेकिन इस नीचे वाला क्या है, नीचे वाला नीचे क्या है, अरे भैया नीचे आपकी एक टेंजेंट है, वो टेंजेंट किसको निरूपित कर रही है, वो टेंशन टी नॉट को निरूपित कर रही है जो हॉरिजॉन्टली है। तो ऊपर क्या आएगा, टी नॉट, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, के कर्ण, कर्ण 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 क्या है आपकी, जो आपका कर्व खिंचा हुआ है उस पर जो टेंजेंट है उसी को कर्ण कहते हैं। वो कर्ण किसको निरूपित कर रही है, कर्ण क्या बता रही है, कर्ण बता रही है टेंशन टी लग रहा है इस कर्ण के अलोंग में। कर्ण और जो मैंने जो आपकी टेंजेंट खींची थी ये केवल आपकी फोर्स के डायरेक्शन के लिए खींची थी और कुछ नहीं। नीचे टी आ गया, इस टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो लौट के भैया में मिल गया टी कॉस साई बराबर टी नॉट। तो बस आपको इस पूरे में यही करना था, एक दो बार आप लोग घर पर प्रैक्टिस करके देखना, फुल एच डी में डिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस आज की छोटे से वीडियो में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया, ज़्यादा लोड नहीं डाला मैंने, आज पहला दिन था आपका, तो मैंने हॉल वॉल करके धीरे टॉपिक समय समय
कवर करेंगे। तो बस हमें आज के वीडियो में जाना मैकेनिज्म में, पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं, फीलिंग आई या नहीं, ये समझाने में या समझने में कोई दिक्कत हो रही हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस आज की छोटी सी क्रियाकलाप को यहीं पे फिनिश करते हैं यार, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। मेरी आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है यार, एक वीडियो एक शेयर चाहिए मुझे, ओनली वन शेयर पर स्टूडेंट और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बिल्कुल रेगुलर रहना, एक भी दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो भैया जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मैकेनिज्म बुक है भैया उसमें आपको बिल्कुल रेगुलर रहना, एक दिन की छुट्टी गई, काम तमाम। तो बस मिलते हैं कल सेम टाइम, आज की क्लास में यही था, समझ में आया कैसा आया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो बस मिलते हैं कल सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के भाई, टेक केयर।